तो जाहिर सी बात है कि कोरोना मुसलसल अपने पैर पसार रहा है, और उसमें हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर समीर भाटी जी हैं, मेंबर हैं कोविड कैंपेन कमेटी के। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, इसके बाद भी हमें क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने कोविड की वैक्सीन लगवा ली तो उसके बाद हम कोरोना फ्री हो गए। देखिए, ये तो हम जिस तरह से शुरुआती दिनों से बात कर रहे हैं, जब से फर्स्ट ड्राइव शुरू हुई थी, सेकंड आपका फेज शुरू हुआ, तब से जो है फिलहाल हमने देखा भी कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई भी, उसके बाद लोगों में थोड़ा सा लापरवाही आई और उन्होंने जो कोविड वाले बिहेवियर है वो फॉलो नहीं किए, तो उनको इन्फेक्शन दोबारा से हुआ। देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन से आपकी गंभीरता, आप बीमारी की गंभीरता से बच जाते हैं, बट आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन और डिजीज में फर्क है, आपको संक्रमण हो सकता है और आप संक्रमण फैला भी सकते हैं। हाँ, आपको वैक्सीन लग गई, आप तो बच गए, पर आपने संक्रमण फैला के दूसरे की जान को खतरे में डाल दिया। और पहली वैक्सीन से आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता, दूसरी के भी 2 हफ्ते के बाद प्रोटेक्शन होता है, एक बात तो ये। हाँ, अभी जैसा आपने बताया कि हमारे नौजवानों में काफी ज्यादा अभी इंटरेस्ट देखा गया कि वो रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है काफी, और वो खुद जाकर रुक कर रहे हैं, मतलब उनमें वो हेजिटेंसी नहीं देखी गई जो पहले देखी जा रही थी, कि वो अभी काफी उत्साहित है जो है वैक्सीन लगवाने के लिए। डबल मास्क लगाने से कितना फायदा हो सकता है, कितना हम इस संक्रमण को कम कर सकते हैं फैलने से? जी देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अभी आपने सुना भी होगा, अभी आपने रिपोर्ट में भी बताया होगा कि नई तरह के स्ट्रेन भी आ रहे हैं। चाहे नई तरह के स्ट्रेन आए, चाहे आपने वैक्सीन लगा ली हो, चाहे आप पहले इन्फेक्ट होके रिकवर हो चुके हों, सबका एक जो मेन बचाव है वो मास्क ही है शुरू से, जैसा हम कहते हुए आ रहे हैं। जो नए स्ट्रेन है वो भी आपको मास्क ही उससे बचाएगा। अब बात आ गई डबल मास्किंग की। देखिए, डबल मास्किंग की इस बार इस तरह से इसलिए बात की जा रही है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ हुआ है काफी, और कुछ इस तरह की रिसर्च आई है कि जिसमें पाया गया है कि ये एयरबॉर्न भी है ना। एयरबॉर्न का मतलब होता है कि हवा के अंदर तब है जब आप किसी क्लोज एटमोस्फेयर में है ना, आप घर के अंदर है, कहीं और है। तो डबल मास्किंग जैसे खाली कपड़े का मास्क आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि कपड़े का मास्क और उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क या 2 मास्क आपको लगाना जरूरी है, ताकि आप पूरी तरह से इससे सुरक्षित रहें। ठीक है, और एक चीज और समझाइए हमारे नाजरीन को कि जब वैक्सीन लग जाए तो लगने के बाद बहुत से लोगों के अंदर ये संशय हो रहा है कि इसके बाद हमें ये चीज का परहेज करना है या इस चीज को हमें खाना है, तो क्या इस बारे में कुछ आपके पास कुछ हमारे नाजरीन को बताने के लिए? देखिए, ऐसा इस तरह का कोई भी परहेज नहीं है वैक्सीन लगाने के बाद। हाँ, जो हम बार बार बात करते हैं कि स्मोकिंग और अल्कोहल, उसके लिए आपको परहेज करना, और बाकी किसी तरह का कोई खाने का और इस तरह का कोई परहेज नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद हल्के फुल्के से जो सिम्टम आ सकते हैं लक्षण, वो हल्का फुल्का बुखार या जहाँ पे लगी है वहां पे थोड़ा सा आपको हल्की फुल्की स्वेलिंग रह सकती है, बस इस तरह के लक्षण है। पर किसी भी तरह का आपको और कोई भी किस तरह का खाने का कोई परहेज और ऐसी कोई चीजें नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर समीर साहब, अभी हम हाल ही के दिनों में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन लेवल जो उनका है डाउन होता चला जाता है, और वो सडनली डाउन होता है कि अगर सपोज आज किसी शख्स ने देखा कि भाई उसका 95 तक पहुंचा है, उसके बाद धीरे धीरे करके 92 और अचानक से 85 और 80 तक पहुंच जाता है, इसके पीछे क्या लक्षण, किस वजह से ये हो सकता है, और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जब आप कोरोना पॉजिटिव, आपको सबसे पहली बात है कि कई बार हम सिम्टम्स को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, लक्षण को यहीं से आप लेकर चलिए। तो जैसे ही आपको लक्षण आए, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, लोग पहले लक्षण आते हैं, फिर टेस्ट कराने जाते हैं, फिर 4 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तब तक बहुत देरी हो चुकी है। इस बार हमने यही देखा है कि लोग बहुत देरी कर रहे हैं, तो लक्षण आते ही आप अपने आप को आइसोलेट करिए। और सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें अपना ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे अपना आप ऑक्सीजन लेवल जांच कर सकते हैं, उसको आप मॉनिटर करते रहिए। 94 से जैसे कम आए वहीं पर ही हाई अलर्ट हो जाता है, उसके बाद आप मतलब अपने डॉक्टर से तो संपर्क में रहिए, पर उस समय कुछ ऐसी दवाएं दी जाती है जिससे उसको वहीं पर कंट्रोल किया जा सकता है। और जिस तरह से आजकल वो टेक्निक हम बता रहे हैं, प्रोनिंग टेक्निक, कि आप उल्टा लेते हैं है ना, उल्टा लेटना आपको 30 से लेके 2 घंटे तक आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं, तो उससे आपकी ऑक्सीजन में काफी फर्क पड़ेगा। और बाकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दी, जिसको हम कहेंगे मॉनिटरिंग, मतलब इसमें डरना नहीं है पर अलर्ट, सतर्क रहना जरूरी है। ठीक है सर, अब डॉक्टर समीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन की रहनुमाई करने के लिए। तो हम तमाम नाजरीन से ये अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि प्लीज आप अपने घरों में रहिए, मास्क लगा कर रखिएगा और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।